हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि अगर आपको अपने सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा एक स्टेप होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए ये आप वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अब कोई एक सॉफ्टवेयर हम सोच लेते हैं जिसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, VLC मीडिया प्लेयर है, हर किसी को अपने सिस्टम पे लोग रखते हैं, यूज करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। आपने अपने ब्राउजर में गूगल खोला और वहाँ पे जाके आपको अपना सॉफ्टवेयर सर्च करना है। यहाँ पे हम VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो VLC मीडिया प्लेयर सर्च करना है। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आप एडोब रीडर इंस्टॉल करना चाहते हो, आप कोई भी XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको सॉफ्टवेयर का नाम डालना है। नाम डालने के बाद यूजुअली जो पहला लिंक होता है वो उसी उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट का लिंक होता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ओपन सोर्स, या फिर वो आपका पेड हो सकता है। अगर वो पेड है तो आपको उसमें कुछ पैसा डालना पड़ेगा, हो सकता है वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह मांगे तो आप उसमें पे कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम अपने PC में अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो फ्री होते हैं। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर, ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लिखा रहता है वहाँ पर ये फ्री है। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्या कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर वर्जन की रिक्वायरमेंट है कि आपकी मशीन 64 बिट की होनी चाहिए। नॉर्मली सबकी मशीन 64 बिट की होती है, कुछ मशीन हो सकती है 32 बिट की भी हो, बट जनरली आजकल सारी मॉडर्न मशीन 64 बिट की है। वर्जन कौन सा हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो है 3.0.1। तो ऐसे ही आप जाएंगे और वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर पैकेज को, ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसे हम इंस्टॉलर पैकेज बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो VLC मीडिया प्लेयर का हम एक इंस्टॉलर पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, जो तो 64 बिट मशीन पे 64 बिट मशीन पे चलेगा। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड VLC मीडिया पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा डाउन VLC मीडिया प्लेयर है, हो सकता है आपको कोई और सॉफ्टवेयर होगा तो उस पे आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है ये डाउनलोड स्टार्टिंग फ्यू सेकंड, ये हो भी गया शुरू। छोटा ही साइज है, 40 MB का है, तो जल्दी इंस्टॉल हो गया। हो सकता है आपकी मशीन पे कम समय भी ले, हो सकता है वो और ज़्यादा समय, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो बहुत जल्दी डाउनलोड। एक बार डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप आके इसको सीधे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉलर रन हो जाएगा। आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक ये आपका इंस्टॉलेशन रन करना शुरू कर देगा। नॉर्मली वो एक आध क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस केस में पूछ रहा है कि आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, हमारी इंग्लिश ही होती है। आपने ओके किया, उसके बाद ये आपको वेलकम स्क्रीन पे आपने नेक्स्ट किया, फिर ये लाइसेंस एग्रीमेंट दे रहा है, आप हमें चाहिए सॉफ्टवेयर तो लाइसेंस पर हम एग्री करेंगे इसलिए नेक्स्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको बहुत तरीके के शॉर्टकट बना देगा, ये कुछ प्लगइन्स बना देगा। तो ये नॉर्मली हम बाय डिफॉल्ट जो रहता है वही सेटिंग रखते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर में। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप बाद में कर सकते हो, तो इसको ऐसे बाय डिफॉल्ट रखते हुए हम नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछ रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल कर रहे हैं। नॉर्मली आपका सिस्टम में हम सी ड्राइव में ही इंस्टॉलेशन होता है। अगर किसी ने अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे कुछ पार्टीशंस बना रखे हैं, सी ड्राइव को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, वो किसी और पर्टिकुलर जगह अपने आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहता है, तो यहाँ से ब्राउज करके उस जगह पे जा सकता है और वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे हम यही रखेंगे सी प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर। अब ये कुछ समय लेगा, उन फाइलों को एक्सट्रैक्ट करेगा और रन करेगा और हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर बल्कि होते हैं तो वो ज़्यादा समय ले लेते हैं, आधा आधा घंटा भी लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सॉफ्टवेयर होता है तो जल्दी हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए चेक मार्क है कि रन योर VLC मीडिया प्लेयर। कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो मैक्सिमम में ऐसे ही होता है, जैसे ही आप फिनिश करते हो तो वो एक बार खोल के उसकी स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे भी यही होगा, जैसे हम फिनिश करेंगे VLC मीडिया प्लेयर हमारे लिए खुल जाएगा। इस बात का सबूत है कि हाँ आपका VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये हुआ है। वैसे तो हो गया दिख ही रहा है, पर इसको चेक भी करना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पे सर्च कर लें क्या कंट्रोल पैनल, कंट्रोल लिखेंगे कंट्रोल पैनल आ जाएगा, ओपन करेंगे। कंट्रोल
कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आपका एक होता है प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के अंदर अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आपके मशीन के जो जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए वो सबकी लिस्ट होगी। तो अभी हमने ये VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल किया, जिस डेट में हमने इंस्टॉल किया वो डेट आ जाएगी, जो वर्जन है वो आ जाएगा, ये पब्लिशर ही कंपनी का नाम, जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। एक बार स्टेप दोबारा से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर का नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके उसका इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद रन करेंगे। एक चीज़ आपको चेक करनी है कि अगर कोई उसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के 2-3 वर्जन, एक आपकी विंडोज 10 मशीन के लिए हो, एक किसी पुराने वर्जन की मशीन के लिए, या हो सकता है एक उसका जो इंस्टॉलर है वो लिनक्स सर्वर पर चलता हो, एक आपका विंडोज सर्वर, जैसी आपकी मशीन है, आपकी 64 बिट की मशीन है जिसपे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और वो पर्टिकुलर इंस्टॉलर वहाँ देख के आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉलर रन करना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली हम सब डिफॉल्ट रखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने के लिए क्या स्टेप है? अनइंस्टॉल करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में आएंगे, कंट्रोल पैनल में आके प्रोग्राम्स में, और प्रोग्राम्स में जाके अनइंस्टॉल आप। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कंट्रोल पैनल में यहाँ पे है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर ढूंढ लेंगे जो आपको अनइंस्टॉल करना है। अब इस पर या तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं, तो अनइंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते, डबल क्लिक भी आपका अनइंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ से अनइंस्टॉल कर रहा है, यहीं पे हमने इंस्टॉल किया था, यहीं से अनइंस्टॉल कर रहा है, और ये आपका ये डिफॉल्ट रखते हैं, अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, कुछ देर ये अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलेगा, जिसे इंस्टॉलेशन का चलेगा चला था। जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि कंट्रोल पैनल में से ये सॉफ्टवेयर चला गया, इसके जाने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल। जैसे ही मैं फिनिश किया चला गया, आपको VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, अब नहीं दिखता। आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश भी कर लोगे चाहते हो, यहाँ से वो आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चला गया। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। VLC मीडिया प्लेयर वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप उसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं और कभी उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, उसका एक सिंपल सा प्रोसेस ये। कुछ सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, और नॉर्मली जो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर होता है उसका इंस्टॉलेशन। तो होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्पफुल रहेगी, आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, फिर मिलते हैं किसी वक्त।